हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पास्ता लेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ऑयल, टमाटो केचप, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और धनिया पत्ता। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे। मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें हम पानी डालेंगे। पानी को बॉईल होने देते हैं। पानी बॉईल हो गया, इसमें हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता को हम 5 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। ऑयल गरम हो गया, इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसे कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। ये कलर चेंज हो गया है, गाजर डाल देंगे। फिर इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च, पानी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं, इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम बॉईल करते वक्त डालें, इसलिए कम डालेंगे। उसमें पानी डाल देंगे। दो से तीन मिनट मैंने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे 1 चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे।
रेडी हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।